हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.9 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, 3.0 एंड 3 सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ, बिकॉज 3.0 है, पॉइंट हटाएंगे हम 10 लगेगा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो मैं 3 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर की है। क्लियर। इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है, और इसके इन फ्रंट में यहाँ पर मान लो कहीं पर ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये यू हो गया और माइनस में चलेगा बिकॉज ये आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लिया हमने ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, ऐसे मान लिया हमने, और जिसकी फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और ये माइनस में होगी बिकॉज कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो इमेज प्रोड्यूस्ड यानी कि इसका डिस्टेंस भी बता देंगे, इमेज का साइज भी बता देंगे और नेचर भी बता देंगे, इसमें सब कुछ बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को और इधर लेकर जाएं तो क्या होगा, ठीक है। देखो इतनी बात समझो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और फोकल लेंथ इसकी कहाँ पर होगी, ये यू है 14 का और एफ है 21, तो 21 यहाँ पर कहीं होगी, है ना, अगर फिगर को हम समझे तो, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका ये, क्लियर, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम समझे इस बात को, तो यू जो है हमारे पास वो है माइनस का 14 सेंटीमीटर, और यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम वी निकाल सकते हैं, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड वी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो वैसे तो आपको पता ही होगा जो कनकेव जितने भी होते हैं, ठीक है, उनमें सभी में जो इमेज आपकी बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बिकॉज सभी के अंदर क्या होता है, इसमें आपकी इमेज इसी साइड बनती है, ठीक है, कनकेव में, कन्वेक्स में तो दोनों हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, ये तो पता है ना आपको, लेंस में इस साइड वाली रियल होती है और इस साइड वाली वर्चुअल होती है। अगर मिरर की हम बात करें तो इस साइड वाली वर्चुअल होती थी, इस साइड वाली रियल होती थी, लेकिन लेंस के केस में उल्टा होता है, इधर वाली वर्चुअल और इधर वाली रियल होती है, समझ रहे हो इतनी बात। तो हमें मतलब ये कहानी पता है कनकेव की, अगर आपको फॉर्मेशन डायग्राम पता है तो आपको ये पता होगा कि इसमें इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u फॉर्मूला हो गया इसका, और 1/f और ये प्लस में 1/u हो जाएगा, और ये 1/v, तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 21 और ये आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर अगर आप देखो, माइनस का 1/21 माइनस का 1/14 और ये है 1/v, एलसीएम ले लो इनका 21 और 14 का, 7 पे 7 3 था, 7 2 था, तो 3 2 था 6 एंड 6 7 था, कितना होता है बताओ, 42, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 1 2, और 14 3 था 42, 3 इंटू 1 3, तो ये 1/v कितना आ जाएगा ये आपके पास, माइनस का 5/42, और यहाँ से v कितना आ जाएगा आपके पास, 42/5, तो कितना बनेगा ये, डिवाइड कर लो इसको 42 को 5 से, 5 8 था 42 0, तो 5 4 था 20, तो 8.4 सेंटीमीटर क्या आया है, v आया है, नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है इसी साइड बनेगा, तो 8.4 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 14 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस आया माइनस में 8.4, तो इसी साइड आएगा माइनस है तो इधर ही कहीं बनेगा, तो ये इमेज का डिस्टेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पर बनेगी और ये छोटी बनेगी, अभी बता दूंगा मैं कि कैसे, तो ये आ गया आपके पास 8.4 सेंटीमीटर अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो, ठीक है। अब देख लो, हमें यहाँ पर उसने बोला था कि इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस आपको बतानी है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो मैं इसमें हाइट भी इसकी बता सकता हूँ कि कितनी होगी। देखो मैग्नीफिकेशन से हम पहले तो क्या निकाल दें इसका, देखो मैग्नीफिकेशन लेंस में वी बाई यू होती है, ठीक है, माइनस वी बाई यू किस में होती है आपकी, मिरर में होती है, ठीक है, तो सिंपली वी बाई यू होती है इसमें लेंस में। तो मैं जो आपको कह रहा था कि एम यहाँ पर निकाल लेंगे हम पहले, ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव से पता कर सके कि क्या कहानी होने वाली है, क्योंकि अगर हमारे पास, हमें पता है यहाँ पर कि जो एम है हमारा अगर नेगेटिव हुआ तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, और अगर एम हमारा पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इधर बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इधर बनती है, ठीक है। तो देख लेते हैं एम कैसा आने वाला है, वी कितना है हमारे पास, माइनस का 8.4 है ना, मैं इसको 42/5 ही लिख लूँ ताकि ईजिली सोल्व कर पाऊँ, ठीक है, और यू कितना है हमारे पास, यू है हमारे पास कितना, माइनस का 14, तो माइनस का 14, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, 14 3 ज़ा, ठीक है, 14 3 ज़ा हो गया, ठीक है, तो 3/5 प्लस का आ रहा है, पहले तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर ये प्लस का है, एम इज पॉजिटिव, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वैसे ही पता चल गया था हमें लेफ्ट साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी, क्लियर, ये पता चल गया। अब इसको अगर आप करना चाहो तो 5 6 30, तो 0.6 बनता है विदाउट एनी यूनिट, 0.6, यानी कि एक्चुअल में ये 1 से लेस है तो डिमिनिश्ड है साइज में, है ना,
और मैं वो मैं साइज़ भी प्रॉपर भी बता सकता हूँ आपको कि एम होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी बाई यू। नाउ जो वी बाई यू है वो कितना है हमारे पास 3/5 आया है, और हाइट ऑफ इमेज अगर हम निकाल लें ठीक है, या फिर एम की वैल्यू 3/5 रख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर ठीक है, तो ये कितनी आएगी हमारे पास 3 × 3/5, तो ये आ रही है 9/5 ठीक है। 9 को डिवाइड कर लो 5 से, 5 × 1 = 5, 40 पॉइंट आएगा, 5 × 8 = 40, तो 1.8 सेंटीमीटर की हाइट ऑफ इमेज आ रही है, यानी कि ये एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर है, उससे तो छोटी है ठीक है, तो साइज़ क्या है इज़ डिमिनिस्ड। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी बातें सब ठीक है। अब जो हमें इसमें बात करनी है वो क्या कहता है, कहता है व्हाट हैपन्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा लेंस से तो इमेज का क्या होने वाला है। देखो पहली बात तो समझो, कनकेव के अगर इमेज फॉर्मेशन डायग्राम आपने पढ़े हैं या देखे हैं क्लास 10th के, तो आपको पता होगा जो इसमें इमेज जो लाई करती है ना वो यहाँ इसके इस सेंटर से लेके इस एफ तक ही लाई करती है इमेज कनकेव में ठीक है। मतलब एफ पे कब आ जाएगी, अगर जो ये यू का जो डिस्टेंस है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जो वी है हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ तक जाता है, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन बिल्कुल 0 ही हो जाती है ठीक है एफ पर, समझ लो। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा लेंस से तो इमेज भी दूर जाएगी लेंस से, लेकिन कहाँ तक जाएगी, सिर्फ एफ तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, कि एफ पे बिल्कुल ही 0 साइज हो जाता है ठीक है, मैग्निफिकेशन 0 हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में कि यू भी दूर जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी दूर जाएगा लेंस से तो इमेज भी दूर जाएगी, बट इमेज कहाँ तक रहेगी, फोकस तक रहेगी ठीक है, बस उसके बाद कोई कहानी, क्योंकि यू जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो इमेज भी पीछे जाएगी, और ऑब्जेक्ट जाते 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 मान लो यहाँ इन्फिनिटी पे आ गया तो इमेज यहाँ फोकस पे आ जाएगी, ये है कहानी ठीक है जी। क्लियर है, इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में ठीक है, क्लियर, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।